सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और उसके बाद इस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं, घंटे को भी दबाएं, ताकि आप वीडियोज हमारी सबसे पहले देख पाएं, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप कमेंट करना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चौकोर गले की कटिंग और सिलाई करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुकरम लिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई हम इसकी 2.5 इंच रखेंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे। नीचे से भी हम इसी तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और लंबाई हम इसकी 7 इंच रखेंगे। 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और निशान को इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से नीचे से भी हम निशान को मिला देंगे। यहाँ पर भी हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे और नीचे से भी हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। फिर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम निशान में भी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने चौकोर गले की कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने 2 टुकड़े लिए हैं कपड़े के, और इसको सीधी तरफ से हम उल्टी तरफ को इस तरीके से कपड़े को रखेंगे। फिर हम इसमें सिलाई करेंगे। सिलाई हम इसमें पूरे में लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे। तो देखिए, हमने ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। अब हम उल्टी तरफ से बुकरम को रखेंगे और साइड से सिलाई करेंगे। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने साइड में भी सिलाई लगा ली है। अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। पूरे में इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगा ली है। अब हम बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने कटिंग भी कर ली है। अब हम गले को इस तरीके से फोल्ड करके बीच सेंटर से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसे सूट के ऊपर रख के सिलाई करेंगे। इस तरीके से कपड़े को सीधी तरफ रखेंगे। फिर हम बीच सेंटर पर इस तरीके से सिलाई करेंगे। अब हम इस पार से सिलाई करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई भी लगा ली है। अब हम 1/2 इंच कपड़े को छोड़ के इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और नीचे से भी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और हम 2 कोनर पर इस तरीके से कट लगाएंगे। कट हमें इतने लगाने हैं जिससे हमारी सिलाई ना कट सके। तो देखिए, इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। सिलाई हम बड़ी करेंगे जिससे हमारी तुरपाई हो सके। तुरपाई होने के बाद हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो देखिए, हमारा चौकोर गला तैयार हो गया है। इस तरीके से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।